कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का रीडेवलपमेंट हो या हाउसिंग सोसाइटी से तमाम जानकारी हो, उन सभी मुद्दों को लेकर सीए रमेश प्रभु जी को हाल ही में मुंबई सबर्बन हाउसिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चेयरमैन बनाया गया, तो उसके लिए महासेवा की महारा सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन की नॉर्थ मुंबई की टीम यहाँ मौजूद है। उनको शुभकामना देने के लिए हमारे साथ में तमाम भावेश दोषी उनकी टीम है, प्रभु सर हैं, और फंडिंग और फाइनेंस से रिलेटेड हमारे नरेश जैन जी हैं जो रीडेवलपमेंट पे फाइनेंस करते हैं, सेल्फ रीडेवलपमेंट पे भी कुछ प्रपोजल है, तो इन सभी ऐसी टीम है। भावेश दोषी जी, आप क्या कहेंगे प्रभु सर को? सर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सर इतने सालों से जो क्रांति लाई है महासेवा के माध्यम से या इंडिविजुअल उनके, प्रभु सर एक ब्रांड हो गई है महाराष्ट्र में पूरा, जो हाउसिंग के रिलेवेंट कोई भी इश्यू हो उन्होंने बहुत सारे विषय पे अपना मतलब बुक्स वगैरह भी पब्लिश हुआ है, जैसे डीम कन्वेंस। और आज की तारीख में जो डीम कन्वेंस में मिलने में जो असुविधा होती है या जानकारी नहीं है, काफ़ी रेगुलरली उन्होंने सेमिनार करके बहुत सारा कुछ पब्लिक वेलफेयर का काम किया है। और हम आने वाले दिनों में और शुभेच्छा देते हैं कि साहब और आगे बढ़े, और हमको सबको भी प्रेरणा और मार्गदर्शन देते हुए और पब्लिक का आज जो काम हो रहा है भगवान उसको बहुत शक्ति दे, समर्थन दे और आगे सामर्थ्य दे जिससे पब्लिक का भला हो जाए। कांग्रेचुलेशन, आप चेयरमैन बने सबर्बन हाउसिंग फेडरेशन का और आपकी ये महासेवा की नॉर्थ मुंबई की टीम काम शुरू करने जा रही है। नॉर्थ मुंबई एक डेवलप हो रहा है, सबर्बन देखेंगे जैसा, तो किस तरह से शुभकामना सभी पदाधिकारी को देंगे? बधाई देने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ। और अभी देखिए भावेश दोषी साहब हमारा नॉर्थ मुंबई के महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर स्विंग एक नेतृत्व लिए हैं, जो नॉर्थ मुंबई एक बहुत अच्छा क्षेत्र है जहाँ लगभग 8 से 10 हज़ार कोपिंग सोसाइटी है जिसका नेतृत्व वो ले रहे हैं, और उन्होंने अच्छा एक ऑफिस बनाया जिस शॉर्टली हम उनको इनॉग्रेट करेंगे। और इन एडवांस आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले दिनों में जैसा आपने बताया कि हर एक हाउसिंग सोसाइटी में जो रहने वाले और या पदाधिकारी उनको पूरी तरह से गाइडेंस देने का हम विश्वास लोगों को देते हैं। और जो मुंबई सबर्बन हाउसिंग फेडरेशन 2001 से कार्यरत है, और दुर्भाग्य से जो हमारे नेते या जो चेयरमैन अभिषेक घोसाळकर जी का जो देहांत होने के बाद, तो मैं तब तक सेक्रेटरी का पद ले रहा था, लेकिन अभी मुझे चेयरमैन का पद दिया है। मैं सभी डायरेक्टर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद।